नमस्कार, मैं लक्ष्मी कोल्ले आपका वी 24 तास के बॉलीवुड चस्का पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड की ताजा खबरें। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप का आज 48वां जन्मदिन है। अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड में कई फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें से कुछ फिल्में सुपरहिट साबित है। अनुराग कश्यप अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की कड़वी सच्चाई को सबके सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिनेत्री सुरेखा सिकरी की हालत स्थिर, फिलहाल ICU में। ब्रेन स्ट्रोक के बाद मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराई गई बॉलीवुड और टीवी की अनुभवी अभिनेत्री सुरेखा सिकरी की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें अब भी ICU में निगरानी में रखा गया है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में हजारों जरूरतमंदों की मदद की है। उन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भी पहुंचाया है। इसके अलावा वह स्टूडेंट्स की भी मदद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनू के इस नेक काम की काफी तारीफ हो रही है। इसी बीच सोनू सूद के फैन ने सिम कार्ड पर उनकी तस्वीर बनाई है। कंगना पर भड़की स्वरा भास्कर, कही ये बात। कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लगने लगा है। इसके साथ कंगना ने यह भी कहा कि 99 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ड्रग्स लेते हैं। कंगना के इसी बयान पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने नाराजगी जताई है। स्वरा ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन हाथों ने उसे खिलाया वही हाथ कंगना काटने की कोशिश कर रही है। मशहूर रैपर रफ्तार ने बुधवार को कहा कि वह COVID-19 से संक्रमित पाए गए हैं और फिलहाल घर में पृथकवास में है। 31 वर्षीय रैपर ने कहा कि वह MTV के रियलिटी शो रोडीज के नए सीजन की शूटिंग करने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हो गई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को 2 महीनों से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी आत्महत्या का कारण सामने नहीं आया है। हाल ही में खबर मिली है कि तेलुगु इंडस्ट्री के एक्ट्रेस श्रावणी ने आत्महत्या कर ली है। उसने मंगलवार की रात अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। COVID-19 से पीड़ित 74 वर्षीय बहुभाषिक गायक SP बाला सुब्रमण्यम की हालत बनी स्थिर, लेकिन उनका इलाज कर रहे अस्पताल ने मंगलवार को कहा कि उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें अब भी ICU में ही रहने की जरूरत है। प्रोड्यूसर बनने जा रही है करिश्मा। मीडिया के कुछ हलकों में साफ संकेत मिला है कि करिश्मा कपूर दोबारा फिल्म दुनिया में वापसी करने जा रही है। वो अपने बहन करीना के साथ को प्रोड्यूसर भी नजर आ सकती है। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपना 53वां जन्मदिन मनाया है, साथ ही में उनके आने वाली फिल्म बेल बॉटम का पोस्टर भी रिलीज किया। जासूसी थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम साल 1980 के बैकड्रॉप पर है, जिसमें अक्षय कुमार एक रॉ एजेंट का किरदार निभा रहे हैं। साथ ही में वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता भी फिल्म में नजर आएंगी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट एक्टर आमिर खान ने पानी फाउंडेशन के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद की है। पानी फाउंडेशन महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। यह फाउंडेशन महाराष्ट्र के गांवों में जल संरक्षण और वाटरशेड के निर्माण का काम करता है। इस फाउंडेशन के काम को जल विद्युत मंत्रालय द्वारा नोटिस किया गया। आमिर खान ने ट्वीट करते हुए जल विद्युत मंत्रालय को धन्यवाद कहा। तो बने रहिए ऐसे ही ताजा और गर्मा गर्म खबरों के लिए वी 24 तास पर। तब तक के लिए शुक्रिया।